बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक, +9232242022062। व्यूअर्स, लास्ट वीक में भी मैंने वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग DHL लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 के टॉपिक पे, तो आज भी मेरी वीडियो DHL फेज़ 10 और फेज़ 13 पे ही है। साथ में लास्ट वीक का ट्रेंड भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, रेजिडेंशियल के अंदर हुई है या कमर्शल के अंदर हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DHL लाहौर फेज़ 13 में। फेज़ 13 की प्राइसेस में लास्ट वीक के निस्बत इस वीक में डिप आया है 5 मरला में और 10 मरला में, जबकि 1 कनाल की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज़ की हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो लास्ट वीक के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है DHL लाहौर फेज़ 10 के अंदर, वो 10 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट्स के अंदर ट्रांजेक्शन हुई हैं, और क्यों हुई हैं हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं DHL लाहौर फेज़ 13 में। फेज़ 13 में जस्ट अभी एलोकेशन फाइल्स हैं और एफिडेविट फाइल्स नहीं हैं, ये फुल पेमेंट कैश पे फाइल्स हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं हैं, और यहाँ पर अभी कमर्शियल फाइल्स DHL ने लॉन्च नहीं किए हैं। 5 मरला की अगर मैं लास्ट वीक में बात करूं तो अराउंड को 31 ± में ट्रेड हो रही थी, जो आज आपको अवेलेबिलिटी 30 लाख में हो जाती है। 10 मरला की मैं बात करूं DHL लाहौर फेज़ 13 में, जो लास्ट वीक में 47 पे थी और अभी आपको 46-46.25 के इन बिटवीन अवेलेबिलिटी आपको हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1 कनाल की, तो 1 कनाल की लास्ट वीक में जो आपको अवेलेबिलिटी थी वो तकरीबन को 79-80 के इन बिटवीन थी, बट हार्ड टू फाइंड थी, जो कि स्टिल अभी भी हार्ड टू फाइंड है, और प्राइस जो मार्केट में कोड की जा रही है वो 81.50 से 82 के इन बिटवीन कोड की जा रही है। सो वाई 1 कनाल रेजिडेंशियल इज़ हार्ड टू फाइंड, जैसा कि अगर आपने मेरी को पिछले वीडियो देखी होगी, तो चूंकि DHL फेज 13 में नंबर ऑफ फाइल्स टोटली 11,000 हैं, जिनमें से 7-7.5 हज़ार के करीब 5 मरला है, 2500 के करीब 10 मरला और 1 कनाल अराउंड 1200 के करीब है, तो इस वजह से जो मोस्टली जो फाइल्स हैं ना वो एंड कंज्यूमर के हाथ में चली गई हुई है, इसलिए मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है 1 कनाल की, और इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी भी तकरीबन को 82 प्लस के करीब कहीं पे भी अवेलेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी है, तो 82 लाख रुपए के करीब आपको जो है ना वो 1 कनाल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी इस टाइम पे भी बाइंग बनती है। आइदर इट्स 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल DHL फेज 13 इस टाइम पे अपने बिल्कुल लोअर एंड पे है और बहुत अच्छी बाइंग बनती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें DHL लाहौर फेज 10 में, तो फेज 10 में आपको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल एफिडेविट्स प्लस एलोकेशन आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। यहां पे मैं एक चीज आपको, इन शॉर्ट एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन, जब आप टोटल कॉस्ट करते हैं एफिडेविट की और एलोकेशन की, बाजूकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाजूकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। एफिडेविट की प्राइस हाई होती है, एलोकेशन की प्राइसेस कम होती है, चूंकि इसके में आपके ट्रांसफर एक्सपेंस जो है ना वो ज्यादा होते हैं, तो कुछ जगहों पे आपको एफिडेविट सिक्योर लग रहा होता है, कुछ जगहों पे आपको एलोकेशन सिक्योर लग रहा होता है, बट DHL फेज 10 के अंदर एफिडेविट और एलोकेशन दोनों ही सेफ एंड सिक्योर हैं। बाजूकात आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी होती है, बाजूकात आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही होती है। अगर मैं, क्यों नहीं हो रही होती है, फेज 10 4 मरला कमर्शियल, इस टाइम पे आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है और एलोकेशन की अवेलेबिलिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि वो मैक्सिमम 255 पे ट्रेड हुआ था, तो जारी सी बात है लॉस में तो कोई भी सेल नहीं करेगा, तो इस वजह से एलोकेशन की अवेलेबिलिटी आपको नहीं होगी। अगर कोई अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको एफिडेविट और एलोकेशन की सेम प्राइस मिल रही होगी, बट एलोकेशन आपको एक्सपेंसिव कॉस्ट करेगा क्योंकि उसमें ट्रांसफर एक्सपेंस आपके तकरीबन 5 लाख से 6 लाख रुपए के इन बिटवीन है, तो एफिडेविट सेफ बाइंग बनती है। अब अगर मैं यहां पर प्राइसेस की बात करता चलूं, जो DHL फेज 10 में आपको 1 कनाल एफिडेविट आपको 109.50 में 1,09,50,000 रुपए में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जबकि एलोकेशन आपको 103 ± में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला की बात करूं, 10 मरला आपको 61 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 60-60.25 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 5 मरला एफिडेविट आपको 45.25 में, जबकि एलोकेशन आपको 44-44.25 में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल की लास्ट वीक और इस वीक में बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, बहुत अच्छी सेलिंग हुई है लाहौर रियल एस्टेट के एंड से, चूंकि हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। देखें, 2 करोड़, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, तो 2 साल पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 साल पहले जब DHL ने लिमिटेड सी फाइल्स दी थी कमर्शियल्स की, तो वो तकरीबन कोई अराउंड 15-20 के करीब थी, और उस टाइम पे अवेलेबिलिटी 1,65,00,000 रुपए पे हुई थी। और आज जब 4 माह पहले जनवरी के अंदर दोबारा से 4 मरला कमर्शियल आया है, तो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी 2,55,00,000 रुपए से होनी शुरू हुई थी, जो इस टाइम पे अपने बिल्कुल लो रेंट पे है। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो तकरीबन लास्ट मंथ का जो ट्रेंड है ना, ये 170-170 के इन बिटवीन ही ट्रेड हो रही है, और इस टाइम पे एफिडेविट आपको 173 लाख में अवेलेबिलिटी है, जो कि इस टाइम पे भी बहुत अच्छी बाइंग बनती है। देखिए, 2 साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी, डॉलर के साथ कंपेरिजन इस वजह से मैं कर रहा हूं, चूंकि
ओवरसीज क्लाइंट वर्सेस जो लोकल पाकिस्तान में जो रेजिडेंस है, वो भी अब अपनी हर इन्वेस्टमेंट को जो डॉलर के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो दो साल पहले जो डॉलर की प्राइस थी उस टाइम पे आपको चारमल एफिडेविट 165 में अवेलेबिलिटी हो रही थी, और आज जो डॉलर की प्राइस है और आपको एफिडेविट 175 में है, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरत में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम भी आप डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन का डिफरेंस है, जो कि बहुत अच्छा डिफरेंस है। इस टाइम पे चार मरला कमर्शियल फेस 10 एफिडेविट की बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 8 मरला कमर्शियल और 2 कनाल भी अपकमिंग है, आपको अवेलेबिलिटीज हो जाएंगी, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 8 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन आपको 4 करोड़ 10 प्लस माइनस में आपको 400 से 410 के इन बिटवीन की आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और 2 कनाल की अगर मैं कमर्शियल जब लॉन्च किया था उस टाइम पे बात करूं तो तकरीबन को 295 लाख में आपको अवेलेबिलिटी हो रही थी 2 कनाल की। अभी आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 260-265 के अराउंड अबाउट जाना 2 कनाल की अवेलेबिलिटी हो जाती है डीएचए फेस 10 में एफिडेविट्स की, जो कि बहुत अच्छी बाइंग बनती है। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको डीएचए लाहौर फेस 10-13 के अंदर कोई भी फाइल्स के अंदर बाइंग सेलिंग करनी हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92322 4222062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फ़ी मान अल्लाह।